हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ माइक्रोवेव की एक नई रेसिपी। मैं आज आप लोगों को माइक्रोवेव में आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप किस तरह से माइक्रोवेव में गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। ये आपको सब्ज़ी में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में ही बना कर दिखाऊँगी कि आप 2 चम्मच ऑयल में इस्तेमाल करके भी इतनी अच्छी सब्ज़ी माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। ये सारी मैंने तैयारी करके रखी है, गोभी आलू मटर वगैरह सब कुछ मैंने कट करके रखा है। ये देखिए गोभी और ये 3 आलू कट किए हैं मैंने, इस तरह से लंबे आलू कट किए हैं। आपको जैसे भी इच्छा हो वैसे कट कर लीजिए। ये मटर और ये अदरक लहसुन को कूट के रखा है और ये 3 टमाटर काटे हैं मैंने और ये अनियन। और देख लीजिए मैंने ऑयल कितना कम रखा है, सिर्फ 2 चम्मच ही ऑयल लिया है। और ये मसाले सारे, धनिया मिर्ची जीरा राई, थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़ा सा तेल। तो हम अपनी कुकिंग चालू करते हैं फ्रेंड्स। अब इस कांच के बाउल में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, पहले से इतना थोड़ा सा आधा चम्मच ही करीब ऑयल डालूंगी। बाकी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को मैं इसी में किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि सब्ज़ी में ये पूरा इवन तरीके से फैलता है और सब्ज़ी में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कम तेल डाला हमने। अब मैं इसमें जीरा राई और अनियन ऐड करूँगी। ये देखिए मैं अब अनियन ऐड करूँगी। बस 2 स्टेप में ही आपकी ये सब्ज़ी माइक्रोवेव में बन जाती है। बस हमें इसको मिला के अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए माइक्रो कर दूँगी। पाँच मिनट में ही आपकी जो अनियन है अच्छी तरह से पक जाती है, उसका अच्छा कलर भी आ जाता है 5 मिनट में ही। पाँच मिनट हो गए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी अनियन कैसी हुई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया अनियन का, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। देखिए हल्दी, मैं बिना गरम मसाले के, बहुत कम गरम मसाले के, मतलब जो खड़ा गरम मसाला वो नहीं ले रही, बस थोड़ा सा उसका पाउडर ही लिया है मैंने, इतना सा। आपको जितना चाहे आप जैसे भी मसाले चाहे ऐड कर सकते हैं, पर प्रोसीजर आपकी ऐसे ही रहेगी। 2 स्टेप में ही आपको माइक्रोवेव में आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जैसे मसालों में तेल है वो अच्छी तरह से लग जाएगा। और ये अदरक लहसुन का जो मैंने कूट के रखा था वो मिला लेती हूँ। अब एक एक करके सारी सब्जी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मटर, ये आलू, टमाटर और उसके सबसे लास्ट में हम गोभी ऐड करेंगे। पहले आप अच्छी तरह से मिला लें, ज़्यादा हो जाए तो पहले मिला लें, फिर ऊपर से और जो भी बची हुई सब्ज़ी है उसको भी डाल लेंगे हम। हमको अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है क्योंकि इसको नीचे होते मसाले वो पूरी इवन तरीके से पूरी सब्ज़ी में फैल जाना चाहिए। और आप ये नमक डाल लेते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से मिला लें आप, जिससे पूरा मसाला इसमें फैल जाए, नमक भी पूरी अच्छी तरह से फैल जाए। क्योंकि बस हमें इसे 2 स्टेप में बनाना है तो हमें अब दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा, बस ये अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे तो सारे मसाले में ये फैल जाएंगे। देखिए जो बाकी गोभी है वो भी मैं इसमें मिला देती हूँ, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि जो मैं ऑयल बचा रही हूँ वो देखिए, अब हम इसमें ये जो ऑयल है इसको ऊपर से डाल देंगे।
ऐसा करने से क्या होता है, ये ऑयल है ये पूरी अच्छी तरह से फैल जाएगा इसमें, और हमें ऐसा कहीं भी नहीं लगे कि हम इतने कम ऑयल में इतनी अच्छी सब्ज़ी बना ली। बस हमने अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसे माइक्रोवेव में 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट में ही सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। अगर आपकी सब्ज़ी 15 मिनट में ना पके तो 5 मिनट और कर लीजिए, क्योंकि सब माइक्रोवेव पर जो वॉट होता है किसी किसी में कम होता है। माइक्रोवेव की हाई पावर में मैं इसे 15 मिनट के लिए रख दूँगी और 15 मिनट में ही हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छे से दिख रही है, पक गए हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि मैंने इसमें कम ऑयल डाला है, और इसके सब आलू गोभी सब पक गए हैं। इसमें ये अच्छा रहता है कि इसमें आलू जो गोभी रहती है वो ओवर कुक नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है, हमें आलू नहीं पक पाते लेकिन गोभी पक जाती है, फिर वो मैश होने लगती, पर इसमें सब इवनली तरीके से सब कुछ पक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के मेरी रेसिपी। कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।